तो हे वेलकम बैक गाइस, एक और बोरिंग वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप परफेक्टली जो शेडोज़ हैं वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सही और रियलिस्टिक शेडोज़ बनाई हुई हैं मैंने, और ये जो थॉर कंसेप्ट है आप ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी चेक कर सकते हैं। तो इसको बनाने का जो प्रोसीजर है वो मैं वन बाय वन बताऊँगा। बेसिकली इसको ड्रॉ करने के चार मैथड होते हैं शेडोज़ को, मैं सबको एकदम डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और आज कुछ नया सीखें। तो गाइज मैं वन बाय वन अपनी सारी जो लेयर्स हैं उनको ऑफ कर देता हूँ पहले। तो सो दिस इज माय मॉडल लेयर एंड दीज आर माय शेडोज। सो व्हाट विल आई डू नाउ इज आई जस्ट सिंपली टर्न ऑफ द शेडोज, देन आई विल क्रिएट अ न्यू एडजस्टमेंट लेयर दिस फ्रॉम हेयर, एंड देन आई वुड क्रिएट सॉलिड कलर लेयर। मेक श्योर यू सेलेक्ट ब्लैक कलर, देन जस्ट सिंपली इन्वर्ट द मास्क बाय क्लिकिंग कंट्रोल आई। और यहाँ पे इंग्लिश के ट्यूटोरियल्स जो हैं वो खत्म होते हैं, अब हिंदी में शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको आप अगर देख सकते हो तो शेडो बेसिकली दो चीज़ों से फॉर्म होती हैं। एक जो काफ़ी सही तरीके से होती हैं, जो आपकी चीज़ें टच कर रही होती हैं सरफेस के साथ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा पैर है, यहाँ पे जो टो है, और यहाँ पे फिंगर्स है। अब फिंगर जो हैं वो दिख नहीं रही हैं बट टच कर रही हैं, उसको भी क्रिएट करना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ब्रश बी से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेना है, और मेक श्योर आपका जो है वो मास्क सेलेक्ट हो। मास्क सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली जो ओपेसिटी है उसको लाइक 20% कर देना है, और जो ब्रश है मेक श्योर वो सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको पेंट करते जाना है, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे पेंट करते जाना है। और आउटर एजेस पे आपको जो है वो इंटेंसिटी कम रखनी है, बट जो एजेस टच कर रहे हैं या फिर जो पार्ट टच कर रहे हैं आपको उनको काफी ज्यादा ड्रॉ करना है। सेम विद ये घुटना, जी से घुटना, सॉरी। तो उसके लिए आपको जस्ट सिंपली ऐसे ड्रॉ करना है नॉर्मली एक सिंपल फॉर्म में, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा करना है क्योंकि घुटना जो है वो टच कर रहा है। अब उसके बाद जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स के साथ मैं क्या करूँगा, सिंपली हल्का हल्का स्ट्रोक एक मार दूंगा, क्योंकि फिंगर्स अभी टच नहीं हो रही हैं इसलिए इतना इंटेंस उसको दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब जो शेडोज़ हैं वो मेरी काफ़ी सही लग रही हैं, और ऐसा है कि मेरे को उतना प्रिसाइजली जो है एरिया पता है, आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो सन है वो ऑब्वियसली पीछे से ट्रेवल कर रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो लाइट का सोर्स है वो यहाँ से है, और जो आपकी लाइट है वो इस तरफ को ट्रेवल कर रही है, और आपकी जो शेडोज़ होनी चाहिए वो ऐसे और ऐसे इंटरसेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे को। वेट, तो इसलिए मेरी जो यहाँ से शेडोज़ हैं वो बाहर जा रही हैं और यहाँ से बाहर जा रही हैं, यही एक रीज़न है। तो अभी इस मास्टर क्लास ड्राइंग को बंद करते हुए मैं आपको आगे बताता हूँ कि आपको कैसे बनानी है शेडोज़। अभी ये तो हो गया जो एरिया आपका टच कर रहा है, और अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको ओवरऑल एक एनवायरमेंट में शेडो कैसे क्रिएट करनी है। आपको सिंपली ऑल्ट क्लिक करके रखना होगा, ऑल्ट को होल्ड करते हुए जो आपकी शेडो लेयर है उसको ऊपर ड्रैग कर देना है और वो डुप्लीकेट हो जाएगी। मास्क को सिंपली डिलीट कर देना है और एक और मास्क बनाकर उसको इन्वर्ट कर देना है। देन मेक श्योर कि अगर आपका मास्क जो है वो ब्लैक कलर का है तो आपका ब्रश जो है वो वाइट कलर का होना चाहिए। इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है और यहाँ पे 10% ओपेसिटी के साथ धीरे धीरे पेंट कर देना है। यस, तो अगर आप देख सकते हो मेक श्योर जो अपनी शेडो लेयर्स है वो आप जो हैं वो अपनी मॉडल लेयर के नीचे रखें, और यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये शेडोज बन तो गई हैं बट काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही हैं। अब उसको एडजस्ट करने का क्या तरीका होगा, आपको सिंपली जो मॉडल की जो है ओपेसिटी यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास ऑप्शंस होंगे काफ़ी सारे। बेसिकली दो ही होते हैं, एक ब्लेंडिंग ऑप्शन और एक ओपेसिटी का। तो आप जो ओपेसिटी है इसकी कम करनी स्टार्ट कर दें, और मेरे को लग रहा है कि 50 सही रहेगी। अब 50 ओपेसिटी के बाद अब आप देख सकते हैं जो नीचे जो ये एजेस टच कर रहे हैं इसकी शेडोज भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपको सिंपली इसकी शेडोज भी ओपेसिटी है जो कम कर देनी है धीरे धीरे। अब मेरे को लग रहा है इसकी भी 50 रहेगी, एक्चुअली इसकी 60 कर देते हैं। तो गाइज देखिए, थोड़े सिर्फ दो लेयर से कितना ज़्यादा फर्क पड़ गया, ऐसा लग रहा है कि मॉडल लेयर जो है वो है एक्चुअली। अब जो मेरे को सराउंडेड वाली है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, मैं इसको लाइक 30 कर देता हूँ। हाँ, अब देख सकते हैं आप 35 वुड बी बेटर। आप जितना चाहें उतना ट्राई कर सकते हैं अपनी फोटो के साथ, क्योंकि एट द एंड आप प्रिसाइजली वर्क करेंगे उतना ही सही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं थोड़ी सी शेडोज जो एक बड़ी लेयर है, और जो कनेक्टिव लेयर्स हैं वो जो मेरे भाई पिक्सआर्ट के यूजर्स हैं वो अगर देख रहे हैं तो आप भी समझ जाइए। आपको सिंपली करना क्या होगा, वहाँ वहाँ पे ड्रॉ करना होगा जहाँ जहाँ पे आपको चाहिए दो लेयर्स, एक जो आपके एजेस टच कर रहे हैं जो बॉटम्स या बॉर्डर्स टच कर रहे हैं, और एक जो आपकी सराउंड शेडो होगी।
अब ये तो गाइस था मेरा फर्स्ट ऑप्शन या फर्स्ट मेथड शेडोज बनाने का। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड ऑप्शन क्या है। तो गाइस उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सिंपली मैं बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन के लिए आपको एक न्यू लेयर क्रिएट करनी होगी। ऐसे न्यू लेयर में क्रिएट करने के बाद, अब ये जो सेकंड मेथड है ये पिक्सआर्ट वालों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी ये यूज कर सकते हैं। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले आपको अपने कलर जो है डिफॉल्ट कर लेने हैं, ब्रश के ब्लैक कलर सिलेक्ट करके सॉफ्ट ब्रश के साथ 100% ओपेसिटी सॉफ्ट ब्रश के साथ जो पिक्सआर्ट वाले हैं वो हार्डनेस कम कर लें जरा और जस्ट 3 स्ट्रोक मार दें। उसके बाद जो इसको है अपनी लेयर को कंट्रोल टी प्रेस करके और ड्रॉ टूल में पिक्सआर्ट वाले ड्रॉ टूल में जाकर इसको जस्ट सिंपली ट्रांसफॉर्म कर लें। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपनी लेयर को सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल टी और उसको छोटा कर दूंगा। छोटा करने के बाद मैं क्या करूंगा जो है इसको स्ट्रेच करूंगा शिफ्ट प्रेस करके लंबा, थोड़ा कम इधर से थोड़ा सा खींचा हुआ, थोड़ा और डाउन, काफी ज्यादा डाउन, थोड़ा और। तो गाइस अगर आप देख सकते हैं तो ये मेरी जो शेडो है वो काफी सही जगह पे एडजस्ट हो चुकी है। अब इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा लेफ्ट को भी कर सकता हूँ, थोड़ा सा लेफ्ट सही रहेगा। अब इसी शेडो को जो लेयर है वो मेरे को डुप्लीकेट कर लेना है और इसको कंट्रोल टी की हेल्प से मैंने ट्रांसफॉर्म कर देना है दूसरी जगह पे, बट इसको थोड़ा छोटा कर देना है। रीजन बींग क्योंकि मेरा जो घुटना है जी फॉर घुटना वो छोटा है। अब आप देख सकते हो सेम जो लेयर है उसको एक बार और कॉपी करूंगा और ट्रांसफॉर्म करके हैंड लेयर के नीचे रख दूंगा। हैंड लेयर जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट जस्ट बिकॉज अभी वो फोटो में शो हो रही है तो वो जरूरी तो है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी अगर आप देख सकते हो तो ये शेडोज जो है वो काफी ज्यादा है इंटेंस, इनकी मैं धीरे धीरे ओपेसिटी कम करता जाऊंगा। लाइक 50 हेयर 60 वुड बी फाइन और 60 ही यहाँ पे। तो अब ये करने के बाद मैं एक और लेयर बनाऊंगा ब्रश टूल, मेक श्योर जो मेरा ब्रश का कलर है वो ब्लैक हो, सॉरी सॉफ्ट ब्रश याद से यूज कर लेना है और सिंपली स्ट्रोक्स 3 स्ट्रोक बहुत होंगे। उसके बाद कंट्रोल टी और इसको मैं अब ट्रांसफॉर्म कर लूंगा अपनी लेयर के नीचे, अपनी मॉडल लेयर के नीचे। अब ये करने का मेरा मतलब क्या है, वही जो सराउंड साउंड मैं आपको काफी टाइम से थोड़ी 5-10 मिनट से बताया है वो करने का मेन यही मतलब था। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करके इसको ओके कर दूंगा और इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो लाइक 30 और यहाँ 40 कर दूंगा। तो गाइज आप देख सकते हो थोड़े से चेंजेस ही किए हैं और शेडोज कितनी रियलिस्टिक लग रही हैं। ये जो मेरे को है ये अभी भी काफी ज्यादा लग रही है, 50 50 40 सही रहेगा। आप जितना चाहे उतना प्रिसाइजली कर सकते हैं, बस टाइम टेकिंग होगा थोड़ा, आप टाइम इन्वेस्ट करें। मेक्स और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप मेरे बताए हुए मेथड से अगर टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न जो है वो ज़रूर मिलेगी। #बकचोदी। अब जो मेरा सेकंड मेथड है वो मेरा हो चुका है कंप्लीट। तो अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड मेथड की तरफ बढ़ते हुए कि नेक्स्ट जो शेडोज हैं वो आप बढ़िया तरीके से कैसे बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज मेरी एक ये फोटो है, अब फॉर एग्जांपल मेरी ये फोटो है, ये मेरा एक और प्रोजेक्ट था जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया हुआ है। गाइज आप मेरी फोटोज और कंसेप्ट आर्ट जो इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं जो ये मेरी शेडोज हैं काफी सही लग रही हैं और मेरे को काफी सही तरीके से जो मेरी वीडियो मेरी फोटो के अंदर है वो मर्ज कर रही हैं। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, 1 by 1 मैं इनको ऑफ करते जाऊंगा लेयर्स को। ये मेरी कलर करेक्शन, ये ओवरलेज और ये है, हाँ ये है मेरी मॉडल लेयर। अब शेडोज को जो मैं उनको भी टर्न ऑफ कर दूंगा। तो गाइज देखो कितना ज्यादा फर्क पड़ रहा है। मैं सिंपली करूंगा क्या, मैं जस्ट यहाँ पे देखो तो एक न्यू सॉलिड कलर बना दूंगा ब्लैक लेयर एंड देन उसको इन्वर्ट कर दूंगा। तो गाइज ये जो मैंने शेडोज बनाई हुई थी ये अगेन मैंने सेकंड मेथड को यूज करके बनाई हुई थी। अब मैं आपको बताऊंगा थर्ड मेथड से आप कैसे बना सकते हैं। सिंपली आपको अपनी मॉडल लेयर को सिलेक्ट कर लेना है, आपको उस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक लेयर स्टाइल का मेन्यू ऑप्शन खुलेगा, उसके बाद आपको ड्रॉप शेडोज पे क्लिक करना है। ड्रॉप शेडोज अगर आप देखेंगे, वेट मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये जो है ये पीछे क्रिएट हो चुकी हैं। जो ब्लैक कलर की आप लाइनिंग देख रहे हो, मैं आपको डिस्टेंस बढ़ा के दिखाता हूँ, ये देखो ये मेरी ड्रॉप शेडो। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके कर देना है और अपनी मॉडल लेयर को सिलेक्ट करते हुए आपको लेयर में जाना है, लेयर पे क्लिक करना है, लेयर स्टाइल पे जाना है। लेयर स्टाइल पे जाने के बाद मेक श्योर कि जो आपका ड्रॉप शेडो है वो इनेबल हो और उसके बाद आपको क्रिएट लेयर पे क्लिक कर देना है। और अगर आप देखेंगे गाइस तो ये देखिए आपका जो मॉडल है, जो आपकी लेयर है वो अलग से जो बन चुकी है। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, ये है एक देसी जुगाड़ जो कि है काफी सही भी। आपको सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म कर लेना है, पहले इसको ऑन करता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर लेना है और इसको राइट क्लिक करके वर्टिकल क्लिक करके सिंपली आपको अपनी मॉडल लेयर के साथ एडजस्ट करना है इस हिसाब से कि वो सही लगे थोड़ा। आप छोटा बड़ा साइज भी कर सकते हैं,
जैसे आपको सही लगता है आप वैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा और स्ट्रेच करूंगा क्योंकि एटलीस्ट मेरे को जो पैर के बॉटम्स हैं वो कवर करने हैं। हाँ ये सही है। अब मैं क्या करूंगा, इस लेयर को जो है इस पे पहले एक मास्क ड्रॉ करूंगा, या फिर आप मास्क भी रहने दीजिए क्योंकि उसके बाद अप्लाई करना होगा आपको एंड काफ़ी झंझट वाला काम है। सिंपली इरेजर टूल पे क्लिक कीजिए, मेक श्योर ओपेसिटी 100% हो, हार्ड ब्रश यूज़ किया हुआ आपने, एंड पेंट करना स्टार्ट कर दें जहाँ जहाँ मेरे को नहीं चाहिए। तो गाइस ये है मेरे को अभी काफ़ी सही लग रहा है रिजल्ट। अभी आपको करना क्या होगा, इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना लेना है। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने का मेरा मोटिव यही होगा कि अगर मैं बाद में इसमें कुछ चेंजेस करूँ, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पहले जाना होगा फिल्टर पे, देन कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने से क्या होता है, जो वैल्यूज़ हैं वो लेयर में स्टोर होती रहती हैं। आप फर्दर इसमें चाहे कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। मैं लेयर को सिलेक्ट करके अगेन फिल्टर में जाऊँगा या ब्लर में जाके गॉशियन ब्लर पे क्लिक कर दूंगा। अब अगर आप देखें तो ये जो मेरे साइड पे बॉर्डर्स हैं ये काफ़ी ब्लर हो चुके हैं। मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा और, लाइक 20 देखें, 20, चलो 20 सही रहेगा। अब स्मार्ट फिल्टर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे गॉशियन ब्लर पे फिर से फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो डायलॉग बॉक्स है गॉशियन ब्लर का वो वहीं से खुल जाएगा और मैं इसमें फिर भी कभी भी चेंजेस कर सकता हूँ। अगर मेरे को बहुत ज़्यादा चाहिए या इंटेंसिटी थोड़ी कम चाहिए तो मैं अंडू करके अब इसको ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा। अब आपको करना क्या होगा, सिंपली आपकी जो शेडो लेयर है इसको ओपेसिटी को कम कर दे जाना है, 60 सही रहेगा। तो गाइज आप देख सकते हैं, अब आपको लगे, अब उसके बाद आपकी इच्छा है मेरे को ये भी काफ़ी सही लग रही है, बट अगर आपको ये ना भी सही लगे तो आप सिंपली एक लेयर बनाएं, न्यू लेयर, ब्रश जो है सॉफ्ट ब्रश चूज करके ओपेसिटी 10% रख के और सिंपली ब्लैक ब्रश को चूज करके ब्लैक कलर को यहाँ पे हल्का हल्का बी से पहले ब्रश टूल को याद से सिलेक्ट कर लें, ओपेसिटी को 10% रखें और देन सॉफ्ट ब्रश को चूज करके आप सिंपली जो शेडोज हैं वो क्रिएट कर दें। और उसके बाद भी अगर आप चाहें तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस कितना सही फर्क पड़ रहा है शेडोज ड्रॉ करने के बाद, आप खुद देख सकते हैं। तो ये तो था थर्ड मेथड जो कि सरफेस शेडो के साथ डील कर रहा था। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको वो शेडोज कैसे बनानी है जो कि आपको जो सरफेस के साथ ना लिंक हो बट आपकी जो सराउंडिंग है उसके साथ लिंक हो। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे मैं अपनी ये लेयर बंद कर देता हूँ जो मैंने शेडो पहले से बनाई हुई थी, मैं एक न्यू लेयर बनाकर आपको बता देता हूँ। रेड कलर जो है वो मेरा लाइट का सोर्स है, लेट्स से रेड कलर मेरे लाइट का सोर्स है और जो ब्लू कलर है वो लाइट ट्रेवल हो रही है इस तरफ और जो मेरे ग्रीन कलर है ये होगी जो मैं बताऊंगा आपको शेडोज कहाँ पे। अब ऑब्वियसली जो ये साइड की लेयर्स हैं इस पे हाईलाइट्स बनाई हुई है मैंने। हाईलाइट्स बनाने से क्या होगा कि जो मेरे सेंटर वाला एरिया है वो जो है रिफ्लेक्ट करेगा शेडोज के साथ, रिफ्लेक्ट इन द सेंस कि वहां पे शेडोज आएंगी, रियल वाली रिफ्लेक्शन नहीं। तो यहाँ पे मेरी बेसिकली इन चीजों पे, इन जगहों पर शेडोज ड्रॉ होंगी। तो अभी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना होगा, यहाँ से एडजस्टमेंट टूल में जाकर एक कर्व लेयर को यूज करना है, मैं कर्व लेयर ही यूज करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली मेरा फोटोशॉप जो है वो हैंग हो चुका है गाइस, टेंशन ना लीजिए आपका भी होगा। ओके फोटोशॉप नखरे कर रहा है गाइस, आप इस लेयर को डिलीट कर सकते हैं और फिर से एक नई लेयर बना सकते हैं। चलता नहीं रहा है। ओके तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कर्व्स जो हैं काम नहीं कर रहे, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, अब क्या कहना आपके सामने। आप ब्राइटनेस के साथ भी काम कर सकते हैं, जस्ट सिंपली ब्राइटनेस को, और यार ब्राइटनेस भी काम नहीं कर रही है, सिंपली सॉलिड कलर लेयर बनाएं, ब्लैक कलर सेलेक्ट करें और मास्क को इन्वर्ट कर दें। अब देखो जैसे कि आपका मास्क का जो कलर है वो ब्लैक है, सिंपली वाइट कलर के साथ जो है आपको पेंट करते जाना होगा उन जगहों पे जहाँ पे मैंने बताया था। आप अपनी फोटो में अपने हिसाब से पेंट कर सकते हैं क्योंकि सबकी फोटो में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे पेंट करता जाऊँगा। तो गाइज मैंने उन जगहों पर पेंट कर दिया है जहाँ पे मेरे को अपनी शेडोज चाहिए थी। अब मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा लग रही है तो मैं इसकी ओपेसिटी क्या करूँगा, जस्ट सिंपली 50% कर लूँगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें तो चेंजेस पता ही नहीं लग रहे, बट अगर मैं आपको फिर से बिफोर एंड आफ्टर दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि कितना चेंज आया है। तो यही है गाइज बेसिकली तीन मेथड्स जो आप कर सकते हो अपनी शेडोज को ड्रॉ करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लास्ट वाली दो वीडियोस भी देख लेना, उसमें मैंने बताया था कि आप अपनी जो फोटो है उसमें बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं और हाइलाइट्स जो है वो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि ये।
ये जो हाइलाइट्स हैं ये आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और जो नेक्स्ट दो वीडियोस होगी उनमें मैं बताऊंगा कि आप डेप्थ ऑफ फील्ड जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और उसके बाद जो फाइनल वीडियो होगी वो कलर करेक्शन की होगी। तो ये 5 वीडियोस की टोटल सीरीज होगी। सो गाइज मेक श्योर कि आप सभी वीडियोस को फॉलो करें और अपनी फोटोज पे भी वो इफेक्ट अप्लाई करें। मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप अगर मेरे दिए हुए ये मेथड्स को फॉलो करेंगे तो आप काफ़ी जल्दी फोटोशॉप सीख लेंगे, और वो भी ईजी वे में। तो और ऐसे कूल कंसेप्ट्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आशा करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फ्यूचर में एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it 'cause it's what I want.